कशिश कुछ और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती, और बिछड़ के हमने देखा है मोहब्बत कम नहीं होती। वाह 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 क्या बात है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड लास्ट व्लॉग में आपने देखा ये लाल परी को हम क्या ले गए थे हाईवे पे। पनवेल कब गए, कब पनवेल पहुंचे और पनवेल से कब वापस आए पता ही नहीं चला। और यहाँ पे अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 3 ऑलमोस्ट 4 बज गए और यहाँ पे अपनी धन्नो हो गई है पूरी तरीके से रेडी। तो यार क्या चमक रही है, मतलब ऐसे ना जैसे शोरूम के बाहर से आई हुई हो ना, एग्जैक्टली वैसे चमक रही है। पूरा स्टीम बात हुआ, पूरा गाड़ी प्रॉपरली रेडी हो गया यार। अंदर से भी गाड़ी साफ हो गई है, जो गंदी थी गाड़ी हमारी वो एकदम साफ हो रही है। ए बिग थम्स अप टू कार्स पा बानेर फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस कार, मतलब खतरनाक ही चमक रही है गुरु। खाना खाते हैं अपन यहाँ पे और फिर आज महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ना पक्का, मनोज भाई ने कहा महाबलेश्वर तो अपन महाबलेश्वर। और खाना हमने खा लिया, गले तक खाया मैंने, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ गाड़ी तो मतलब गजब दुल्हन हो गई है मेरी, अब मजा आएगा गंदा करने में। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बाय सर, बाय 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 सर, बाय बाय। फाइनली 5 बजे, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और अपन निकले महाबलेश्वर के लिए। अब आज का पूरा दिन ना इतना मजेदार था ना यार, इतना मजेदार। लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा तो देखा होगा, ऑडी चलाने का जो मजा आया ना भाई, उसके बाद अपनी गाड़ी चकाचक हो गई। यहाँ से महाबलेश्वर कितना टाइम लगेगा वो अभी जीपीएस में देख के बताएंगे। बाकी मनोज भाई अपने साथ हैं। मनोज भाई, हाँ भाई, 4-5 दिन रहोगे ना साथ में? देखते है ना, मंडल आपका आभारी है भाई। हाँ मंडल आपका आभारी है, वापस से लद्दाख ट्रिप वाली यादें ताजा होंगी आज। सो 3 घंटे लगने हैं, 2 hours 48 minutes का डिस्टेंस है, 126 किलोमीटर, 2 hours 48 minutes का टाइम है एंड 126 किलोमीटर है। सबसे पहले अपने को गाड़ी में डीजल लेना है, तो जो फर्स्ट पेट्रोल पंप देखे भाई वहाँ पे रोक देना, लबालब करा लिया जाए। This entire trip has been sponsored by Budmo.com. They are the biggest spare part expert. गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट अपने घर पे मंगा लो। बूडमो के ऐप एंड्रॉइड और आईएस दोनों पे अवेलेबल है। मल्टीपल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन मिलते हैं, प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, प्लस 10 days ऑफ अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी। बूडमो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक इट आउट। स्पेयर पार्ट के लिए Budmo.com. सो जी अभी हम महाबलेश्वर का होटल चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और होटल्स क्योंकि आज दशहरा है, कल फ्राइडे सैटरडे संडे एक्सटेंडेड वीकेंड हो जा रहा है, तो होटल्स अभी महंगे आ रहे हैं। तो अभी हम इधर उधर जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कहाँ होटल मिलेगा, अच्छा भी चाहिए, आइबिस जैसा नहीं भी चाहिए, और क्योंकि आइबिस वाला बहुत बेकार था। अरे भैया आप क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं, देखो इनको पता नहीं क्या जल्दी जाना है। अरे आराम से चलिए, हाईवे पूरा आपका है, लिखवा लिया है अपने नाम पे, बुलवा भी दिया। और हाँ ये वाला सही लग रहा है, डाल दो इसी में, लबालब करा लिया जाए। ले लो भैया, ये लो, इतने ही थे हमारे पास। ये इस साल दूसरी बार है कि हम इसी रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब पुणे से आगे गोवा की तरफ। तो आज हम गोवा नहीं जा रहे हैं, आज हम आगे से कितने किलोमीटर आगे से, मतलब पता नहीं कितने किलोमीटर आगे से, मतलब हम महाबलेश्वर की तरफ कट जाएंगे। और इस बार हम गोवा इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इस बार हम गोवा जाने वाले हैं नेशनल हाईवे 66, विच इज द ओल्ड मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे, तो नहीं बोलेंगे हाईवे बोलेंगे, जिसकी कंडीशन अभी भी थोड़ी खराब है ऐसा लोगों ने हमें बताया। और वो जो रास्ता है ना भाई, वो है कोंकण वाला रास्ता, कोंकण कोस्टल रोड, कोस्टल रोड। तो कोस्टल बोले तो एक साइड समुद्र, एक साइड हाईवे। किचन थोड़ा सूखा पड़ा हुआ है एक्चुअली, स्टार्टिंग में ना मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था ना, उसके स्वाति आई तो फिर वो सारा जितना भी चिप्स नमकीन था, क्योंकि मैं गाड़ी तो रोकता नहीं था, स्वाति सारा चिप्स खा गई। देख ना रही हो। तो आज हमने एक बहुत ही गलत दिन चुना है महाबलेश्वर जाने का। एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ऊपर से एक्सटेंडेड वीकेंड, ऊपर से दशहरा, तो मिला जुला के ना एक अच्छा डिसेंट स्टे खोजने के लिए बड़ा मेहनत मशक्कत करना पड़ा। एक तो मोस्ट ऑफ द होटल ना सोल्ड आउट हो गए हैं, और प्लस जो बचे हुए ना उनका रेट एक्सटेंसिवली हाई यार, मतलब ITC मराठा वाला रेट है के 7-8 हज़ार रुपये एक रात का। तो अब क्या करें, अब वही खोज रहे हैं, अभी माहौल चल रहा है, मतलब भाई कर रहा है काम। गुड नाइट भाई। गुड नाइट भाई।
गुड नाइट। चलो जी, अपना होटल बुक हो गया पिकैडली महाबलेश्वर, और अब यहाँ से चाय भी पी लिया, अब यहाँ से सीधे महाबलेश्वर। पिकैडली का लोकेशन डाल दो ना, ये सतारा घाट है, नहीं ये 18 घाट है। मनी विजय ने कह रहा 18 घाट है, 18 घाट है। ऑलमोस्ट अंधेरा होने को आया, और अपना जो टाइम अभी लगना है 1 घंटे 10 मिनट के करीब लगना है। गजब ही लग रहा है ना, सामने आसमान एकदम रेड हो गया है, ऑरेंज कलर का। मनी भाई, नजारे मिस कर रहे हो, उठ जाओ। अरे नहीं, हम उठे हुए हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा, तो जी वाई ग्राउंड क्रॉस कर रहे हैं, वाई गांव, वाई गांव, वाई विलेज। सही है कि सिंगल तो रोड है, बट सामने से जो गाड़ी आ रही है ना, वो लो बीम करके आ रही है। कुछ कुछ एक दो गधे हैं, बाकी तो उनको हाई बीम, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत लेना चाहोगे तो हाई बीम मिलेगा। ये वाला फंडा अपना रहे हम, बाकी लोग नॉर्मल हाई बीम नहीं चला रहे। देखो अभी बोला नहीं चला रहे, भैया लगे पूरा आंख में मार दें। ऑटो वाले तो सुधरते ही नहीं भाई, ये तो ट्रैक्टर है, हाँ लाइट ही ऐसा है भाई, वो उसके लिए दूध बात है। बाकी कार्स वार्स जिसका लाइट एक्चुअली स्ट्रांग होता है ना, तो वो हाई बीम नहीं चला रहे। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है पहाड़ की, और ज्यादा नहीं है, 20-22 किलोमीटर ही है। बट या रात के तवे में ना थोड़ा सा नज़ारे मिस कर रहे हैं, बाकी सिटी का व्यू इधर से नज़र आ रहा है, और सामने से गाड़ी आती हुई तो सामने भी देखना है, सिटी का व्यू भी दिखाना है, गाड़ी भी चलाना है। मल्टीटास्किंग भाई, तुम्हारा भाई मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट है। कैसा बस सामने आ गया ना, ना जा रहा है ना जाने दे रहा है, सबको अटका कर रखा है। हाँ सीरियसली, और भाई इसमें ओवरटेक भी नहीं कर सकते, जिसके जो उसकी स्पीड है वही अपनी भी स्पीड है। पहुंच चुके हम पंचगणी, और पंचगणी महाबलेश्वर वैसे जैसे ही लोनावला खंडाला है, कुल्लू मनाली है। अरे रुक जाओ चाचा, बात कर रहे हैं ना। ए चाचा व्लॉग बन रहा है, पीछे से डिस्टर्ब ही किए जा रहे हैं। तो पंचगणी से अपने को 14-15 किलोमीटर और ऊपर जाना है, और बस ऐसे ही रास्ते यार, सामने से गाड़ियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो ऑफकोर्स वीकेंड जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोग वापस क्यों आ रहे हैं लोग, अभी तो 2-3 दिन रहने के लिए, साला इनके वैसे होटल महंगा हो गया अपना। ये लोकल्स है, लोकल्स हैं जी। फिलहाल 4380 फीट पे हम, 50 रुपये का एक पर्ची कटा महाबलेश्वर का, पंचगणी का कटना है तो शायद उसका अलग था, 100 रुपये का या जो भी होगा। तो हमने तो पंचगणी घूमना नहीं, हमने तो सीधे महाबलेश्वर जा रहा है। 7 दिन तक पर्ची वैलिड है। भैया ने कहा कि भैया आते वक्त चेक होगा, वैसे करते हुए तो मुझे नजर नहीं आ रहे थे किसी का। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ निकली, आगे और एक है। अच्छा और एक है, अच्छा आने वाला वहाँ चेक होगा। अपना अपना कटवाएं पर्ची। पर्ची किस चीज का मार्केट है? पंचगणी का मार्केट है ना। हाँ अच्छा मार्केट है, बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा है भाई। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा रश है, एंड नो डाउट कि होटल के प्राइसेस इतने महंगे क्यों हो गए, मतलब गाड़ियां ही गाड़ियां यार। और यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ MH नंबर की गाड़ियां देखी, मतलब हरियाणा नंबर शायद मेरी एक है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ MH नंबर की गाड़ियां। तो मनोज भाई से मैं वही पूछ रहा था, कह रहे कि लोनावला तो ऐसे सुसु कर ले चले जाते हैं। तो ये वाला डेस्टिनेशन जो है ना, सब लोगों का बहुत फेवरेट है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर। तो यार अब तो हम रात में आए, तो कल सुबह ही पता नहीं घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे जी। यहाँ पे एक और काइंड ऑफ टोल था, क्या नगर पालिका का, हाँ 200 रुपये लिया उन्होंने, और ये भी 7 दिन के लिए वैलिड है। तो अब कल भी कटवाना ही पड़ता है, तो आज भी कटवाना ही था, तो हमने सोचा चलो आज ही कटवा लेते। वैसे तो हमारा होटल पीछे है, हम थोड़ा सा सोचा कि और आगे जाके घूम फिर के आते, भीड़ देखने में अच्छा लग रहा है, लोग खुशी खुशी अच्छी हंसी खुशी दिख रहे हैं। हाँ ये क्या वड़ा पाव खा रहे हैं ना सब लोग, इधर से वड़ा पाव खाने का मेरे को। सो जी ये हम आ गए महाबलेश्वर के मेन मार्केट में घूमते फिरते। अब मार्केट देख ला तो बहुत ही सही है यार, लेकिन रोड थोड़े पतले हैं। पता नहीं कैसे बता रहे, अरे लेकिन ये क्या ऐसे रोड के बाहर लगाएंगे क्या? सो फाइनली चेकिंग इन टू आर होटल, दिस इज पिकैडली महाबलेश्वर, और अपना सारा सामान अभी पहले फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज आवर रूम, ये है जी यहाँ का वॉशरूम। फिलहाल तो उजड़े चमन लग रहे हैं, और ये अच्छा यहाँ पे सेफ है, बाकी सेफ तो अपने पास ऐसा कुछ है नहीं जो कि दुनिया से बचाए। आ जाओ चाचा, मैंने कहा एक मिनट, आ जाओ आ जाओ। ये अपना बेड, अपना एक बेड एक्स्ट्रा लगेगा। ये गद्दा सही है, ये हार्ड है ना, आई आई बिस की तरह।
आईबिस की तरह नहीं है, आईबिस वाला तो बहुत ही यस यस प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। और नीचे पूल है, पूल का नीचे बोर्ड लगा हुआ था भैया पूल बंद है, पूल में आप तैर ना पाएंगे क्योंकि कोविड चल रहा है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना वर्क स्टेशन किधर लगाऊं, वर्क स्टेशन इधर लगा सकते हैं, इधर मेरे को थ्री पॉइंट कह रहे थे, मतलब कुछ ज्ञान बांट रहे थे, मतलब ऐसे ही बाहर इधर उधर देखने के बाद, कपल देखने के बाद मोहब्बत में शरीफों की सराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो उसकी कीमत कम नहीं होती, कशिश कुछ और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती और बिछड़ के हमने देखा है मोहब्बत कम नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या बात है भैया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम खोल रहे हैं लैपटॉप क्योंकि कल का व्लॉग रेडी नहीं है, तो अभी करेंगे थोड़ा सा एडिटिंग, थोड़ा सा गपशप, थोड़ी सी मस्ती, लेकिन साथ साथ काम, और उसके बाद डिनर विनर करने देखते हैं कहाँ जाएंगे। हाँ मनोज, और मनोज भाई तो धोखा दे रहे भाई, ये कह रहे कि मैं कल चला जाऊंगा, मैं बस यही गोवा का कहानी जब शुरू ही नहीं किया था गोवा, ये मनोज भाई तो भैया आप तो गोवा में ही नहीं हो, तो हाउ विल इट हैपन इन गोवा।